हे गाइस, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से सनी देओल की करियर की सबसे बड़ी फिल्म गदर 2 को लेकर, जिसने कि 5 दिनों के अंदर अंदर 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली है। तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म ने ओवरऑल अभी तक कितना बिजनेस कर लिया है और आज ये फिल्म अपने 7वें दिन कितना कलेक्शन कर रही है। क्या ये फिल्म हिट हो गई है या हो गई है ब्लॉकबस्टर, जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप भी डायहार्ड फैन है सनी देओल सर के तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो बात करूँ अगर फिल्म को लेकर, फिल्म अपने आप में पूरी तरह से नेक्स्ट लेवल की अल्टीमेट फिल्म है और ये फिल्म अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ऑडियंस इसको अभी भी पसंद कर रही है और अगर बात करूँ उसके कलेक्शन की तो कल भी इस फिल्म ने काफ़ी शानदार कलेक्शन किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल का जो कलेक्शन रहा वो 33 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर चुका था। यानी कि इस फिल्म का ऑल ओवर इंटरनेट कलेक्शन हो चुका है तकरीबन 261 करोड़ प्लस सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, 6 दिनों के अंदर अंदर नेटबॉक्स ऑफिस पर। अब बात करूँ मैं फिल्म के आज के यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन को लेकर, तो माना जा रहा है ये फिल्म आज भी 25 करोड़ के आंकड़े को टच कर सकती है नेटबॉक्स ऑफिस पर, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा कलेक्शन होगा। और इसी के साथ फिल्म का टोटल इंटरनेट कलेक्शन हो चुका होगा 7 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन से तकरीबन 285 करोड़ प्लस। जी हाँ, ये फिल्म 8 दिनों के अंदर अंदर नेटवर्क ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए कमा चुकी होगी। अब ऐसे में बात करूँगा फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की कि फिल्म का ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या हो चुका है। माना जा रहा है कि ये फिल्म तकरीबन से तकरीबन, अगर बात करूँ उसके ऑल ओवर बिजनेस की, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपये क्रॉस कर चुकी है ऑफिशियली सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर और बन चुकी है सनी देओल के कैरियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म। जी हाँ, हायर ओपनर तो ये थी सनी देओल के लिए पहले से ही, अब हायर ग्रॉसर भी बन चुकी है क्योंकि कोई ऐसी फिल्म नहीं है सनी देओल के कैरियर की जिसने इतना कलेक्शन किया हो। ऐसे में आपकी राय क्या है?